चक्रवात निसर्ग खतरनाक रूप धारण कर चुका है। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात दे विच तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवाती तूफान मुंबई तो करीब 150 किलोमीटर दूर है। समंदर दे विच तूफान दे वेले 6 फुट तो उच्चियां लहरां उठ सकदियां ने। जे गल करिए गुजरात की तो 47 पिंड खाली करवा दिते गए ने। मुंबई गुजरात दे विच भारी मीह का भी अलर्ट किया गया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने रफ्तार फड़ी हुई है। निसर्ग तूफान अज दोपहर तो बाद तक महाराष्ट्र के पालघर मुंबई के समुद्र तट के नाल टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। समुद्री तट के नाल टकराने तो बाद हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के अलीबाग इलाके निसर्ग तूफान का लैंडफॉल होने की भी संभावना है। जिक्र खास है कि चक्रवात तो निपटन लई धारा 144 दे नाल नाल एनडीआरएफ दीआं 20 टीमां भी तैनात कीतीआं गईआं ने। लोकां नूं सैर सपाटे लई समुंदरी तटां ते ना जाण लई कहा गया है। उत्थे पार्क विच जाण ते भी रोक लगाई गई है। लोकां नूं घरां विच रहण दी अपील कीती गई है। मौसम विभाग दी जे मन्नीए तां दमन दीव अते दादरा नगर हवेली दे विच तूफान दा सब तों वध असर रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों के विच भारी मीह का अलर्ट है। नाल ही दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों के विच तूफान का असर ज्यादा होने का शक भी जताया जा रहा है। मीडिया डेस्क द टीवी एनआरआई।